तो हे गाइस, आज हम आ चुके हैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट में। तो लेट्स गो, आज हम माइनक्राफ्ट में वायरल टिकटॉक का है जो बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमको यहाँ पर बहुत सारा सामान चाहिए होगा, इसलिए हमें आज क्रेडिट में। तो लेट्स गो, आज हम माइनक्राफ्ट में वायरल टिकटॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट जो है बना चुका हूँ इसके। अच्छा, आप मेरे चैनल पर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, पहले एक के लिए हमको ये सारा का सारा सामान है जो चाहिए होगा। और यहाँ पर हमको पहले एक के लिए इतना खुला एरिया चाहिए होगा। और यहाँ पर हमको ये 4 ब्लॉक है जो वाल के प्लेस कर देना है। इसके सामने हमको प्लेस करना है ये ब्लॉक, और इसके आगे हमको ये कोब प्लेस कर देना है। कुछ ऐसे इस टाइप से लगा देना है। और यहाँ पर हमको इसके पीछे जो है वॉल कंप्लीट कर देनी है। उसके लिए हमको यहाँ पर और वॉल चाहिए होगी। उसके लिए हमको यहाँ पर वाइट वॉल है यूज़ का, वाइट वॉल ये रही वो वाइट वॉल। लेट्स गो, ये लगानी है हमको इसके पीछे। तो लेट्स गो, ये लगा दी हमने। तो कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पर वॉल लगा देनी है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर हमको ये है फट बॉल बास्केटबॉल का जो ग्राउंड का जो गोल करने वाला होता है, वो हमको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर हमको इस एरिया में है जो चार ब्लॉक है जो आगे लगा देने हैं कुछ इस टाइप से, 3 4 5। यहाँ पर खुद के हमको यहाँ पर एक लगा देना है स्टिकी पिस्टन, और ये ब्लॉक खोलना है हमको इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे और इसके नीचे हमको लगा देना है यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट। ये रही हमारी रेडस्टोन डस्ट, लेट्स गो। और यहाँ पर हमको इधर और इधर और इधर भैया और इधर प्लेस कर देनी है। और यहाँ पर हमको इसके यहाँ पर इस साइड पर ऑब्सीडियन लगा देना है, कोई भी क्राइंग ऑब्सीडियन हो या फिर नॉर्मल ऑब्सीडियन, तो हमको ये प्लेस कर देना है। और यहाँ पर हमको इसको एजिबल करके यहाँ पर हमको लगा देने हैं भैया प्रेशर प्लेट, लेट्स गो। और हमको ये पिस्टन है जो एक ब्लॉक नीचे लगाना था, और ये हमने पिस्टन ब्लॉक और यहाँ पर भी हमको प्रेशर प्लेट लगा दी है। तो लेट्स गो, और ये हमको कुछ ऐसे उछालती रहेगी। और यहाँ पर हमको कोई ब्लॉक लेना है, और यहाँ पर हमको जो है ऐसे हम गोल करते हैं वैसे हम कौन है। और इसके नीचे हमको यहाँ पर है भैया कुछ इस टाइप से, ओ गोल होने से रहेगा भैया। ओ भाई फंस गया भैया हम तो। लेट्स गो, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे हमारे गोल करने के लिए। तो हम आए यहाँ पर, तो लेट्स गो गाइस, हमारा यहाँ पर गोल है जो लिटरली यहाँ पर हो चुका है। और ये धीरे धीरे नीचे आएगा और यहाँ पर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये कोब है इसलिए यहाँ पर ये गोल है जो नीचे नीचे हमारी बाल है जो नीचे धीरे धीरे नीचे आएगी। लेट्स गो, एक बार और ट्राई कर लेंगे भैया। लेट्स गो, ये भी कर दिया हमने गाइस। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो एक बहुत ही बढ़िया हैक होने वाला है गाइस। तो हम आज वो बहुत ही है बढ़िया हैक बनाने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, मैंने यहाँ पर सारा का सारा आइटम है जो ले लिया जो है उस हैक में यूज़ होने वाला है। तो लिटरली हम उसको हैक को बनाएंगे, और बहुत ही वो बढ़िया आपको लगा तो भैया इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। उसके लिए हमको यहाँ पर पहले तो इस साइड हमको स्टेयर्स लगानी है। लेट्स गो, हम पहले स्टेयर्स लगा देते हैं। और लेट्स गो गाइस, और इस टाइप से हमको पहली स्टेयर लगानी है। दूसरी साइड हमको यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के बीच में इधर साइड लगा देनी है, और इधर की साइड भी ऐसी लगा देनी है। और हमको इसके बीच में रखना है भैया एक आर्मर स्टैंड, और आर्मर स्टैंड के पीछे हमको 4 ब्लॉक को है जो ऊपर को एक्सटेंड कर देने हैं। और यहाँ पर इस ब्लॉक पर हमको रखने हैं 2 स्टिकी पिस्टन कुछ इस टाइप से, जिनको हमको करना है ब्लॉक के नीचे रख के भैया एक्टिव। लेट्स गो, और यहाँ पर हमने लिटरली पहला पिस्टन है जो एक्टिव कर दिया, और इसके नीचे लगा के हम दूसरा पिस्टन एक्टिव कर देंगे, क्योंकि ये स्टोन है जो एक आर्मर स्टैंड में नीचे जाना चाहिए। और लिटरली यहाँ पर हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, और लिटरली हमको ये फालतू ब्लॉक तोड़ने से पहले इसके ऊपर भाई ब्लॉक लगा देने, और इसके नीचे लगानी है भाई एंड्रॉड, इसको अब एक्टिव कर देना रेडस्टोन ब्लॉक के बाद हमारी एंड्रॉड है जो इस आर्मर स्टैंड के अंदर चली जाएगी। और हमको लिटरली यहाँ पर फालतू वाले स्टोन है जो ब्रेक कर देने हैं। और लिटरली यहाँ पर हमारी जो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। और लिटरली ये बहुत ही क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव लग रही है, और इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे एक की तरफ, जिसके लिए हमको ये सारा का सारा आइटम चाहिए होगा जो मैंने अपनी इन्वेंट्री में जो है लिटरली यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर हमको थोड़ा सा जो है एरिया क्लीन करना है, लिटरली हमको इधर की साइड हम एरिया क्लीन कर देते हैं और ये सारी की सारी ग्रास हटा देते हैं। और यहाँ पर हम आपको तीन ब्लॉक लगाने हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, कोई भी कॉन्क्रीट आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमको साइड पर इसके एक ब्लॉक आगे हमको तीन बुक सेल्फ और नीचे वाली ब्रेक कर देनी है, दो लगानी है। और यहाँ पर हमको दो ऐसे कुछ ग्लास लगा देने हैं और इसके नीचे हमको दो ब्लॉक है जो डिगिंग कर देना है। और इसके ब्लॉक के नीचे कंक्रीट के नीचे हमको यहाँ पर रेडस्टोन डस्ट और यहाँ पर हमको एक डिस्पेंसर लगा देना है जिसका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए। और लिटरली हमको यहाँ पर इसमें जो है कोई भी आप अपनी प्रेशियस चीज़ है जो इसमें डाल सकते हैं, जैसे गोल्डन एप्पल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, एनी मोर आइटम्स। ये डिस्पेंसर के ऊपर हमको यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना है और इसके ब्लॉक के ऊपर हमको यहाँ पर आइटम फ्रेम लगा के उसमें आयरन का ट्रैपडोर लगा देना है। और इसके साइड वाले ब्लॉक में हमको यहाँ पर बटन लगा देना है और इस बटन से हमारे एप्पल है जो बाहर निकलेंगे और इसको हम की कोई भी ब्लॉक से है जो कवर कर सकते हैं और इसको बढ़िया बनाने के लिए। और यहाँ पर हमको इस ब्लैक कॉन्क्रीट से कवर कर देते हैं जल्दी जल्दी से। हमने यहाँ पर लिटरली इसको ब्लैक कंक्रीट से है जो कवर कर दिया और ये है पहले से ही बहुत ही बढ़िया बेंडिंग मशीन है जो बन चुकी है। और लिटरली ये एक वेंडिंग मशीन है। तो गाइज इस बटन को आप जब भी प्रेस करोगे तो भैया आपकी वेंडिंग मशीन में है जो आप जो भी सामान रखोगे वो आपको वन बाई वन यहाँ पर मिलता जाएगा। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतना ही आपको सामान मिलेगा जितना आपने इसमें रखा होगा। तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर लिटरली इस वीडियो में तीन हैक है जो ऑलरेडी दिखा चुके हैं जो बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव हैं जो आपको माइनक्राफ्ट में अपने इस रॉयल वर्ल्ड में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जाते जाते हम एक और गोल करके जाते हैं, तो लेट्स गो गाइस। हमने यहाँ पर एक लास्ट हमारा गोल कर चुका है और नेक्स्ट टिकटॉक वायरल हैक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।